विद्याशील परिवार के प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी हिंदी अध्यापिका का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा पांचवी का तीसरा पाठ, जिसका नाम है दो माताएं। इस पाठ का उद्देश्य है माँ के महत्व को बताना। इस कहानी के लेखक हैं लीला मजूमदार। कहानी, आप सब बच्चों को कहानी पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। कुछ कहानी बहुत डरावनी होती है, कुछ को पढ़कर सुनकर बहुत हंसी आती है और कुछ कहानियाँ काल्पनिक होती हैं। क्या आप बता सकते हो, क्या आपको पता है कि सभी कहानियाँ सत्य पर आधारित होती हैं? नहीं, सभी कहानियाँ सत्य पर आधारित नहीं होती हैं। फिर भी हमें कहानी पढ़ना और सुनना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य देती है, हमें शिक्षा देती है, हमें कोई ना कोई प्रेरणा देती है। इसलिए हम सभी को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जो ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो माताएं, इस कहानी को सुनने के बाद और पढ़ने के बाद इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है, इसको अपनी पुस्तिका में आप अवश्य लिखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कहानी दो माताएं। यह कहानी असम के गांव पर आधारित है। पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था हतिया। क्या गांव का क्या नाम है? हतिया। और तलहटी का अर्थ क्या होता है? पहाड़ के नीचे की भूमि। वहां पर क्या था? असम के इस प्रदेश में हतिया नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में बस एक उत्सव मनाया जाता था। कब मनाया जाता था यह उत्सव? उत्सव का अर्थ होता है त्योहार। यह उत्सव शीत ऋतु की विदाई के समय मनाया जाता था। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता था? पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई होती थी। उस खाई के निकट एक क्या था, लकड़ी का एक सुंदर सा मंदिर था। आप सब मंदिर गए हैं, आपने वहाँ देखा होगा कि देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ होती हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। मगर यह मंदिर ऐसा था जिसमें किसी भी तरह की देवी देवता की कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई थी। तो वहाँ पर क्या था, मंदिर की दीवार पर और छत पर दो खुदाई की हुई छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। किस किस की मूर्तियाँ थी? एक तो मूर्ति थी हथिनी के बच्चे की, और एक मूर्ति क्या थी, एक माँ की गोद में छोटा सा उसका बच्चा, उसकी मूर्ति बनी हुई थी। तो वहां पर पूजा के लिए कोई विशेष नहीं था कि कुछ ऐसा था कि इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा की ऐसी कोई वहां पर उस गांव में ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या करते थे वहां के गांव के लोग, लड़के लड़कियां, बड़े बूढ़े और माताएं कतार बनाती थी। कतार मतलब पंक्ति बनाना, एक लाइन बनाती थी। और वहां पर उनके हाथों में क्या होते थे, केले के गुच्छे, घड़ों में क्या होता था, दूध भरा हुआ होता था। और उनका और जो मिट्टी की कुपियां होती हैं उसमें मधु लेकर जाती थी। मधु मतलब शहद भरकर वो ले जाती थी और वहां पर हाजिर हो जाती थी। कहाँ पर? मंदिर में हाजिर हो जाती थी। और वो सब घंटे की ध्वनि होती थी, जब घंटा बजता है मंदिर में, उसकी ध्वनि से, उसकी आवाज से वो क्या करते थे, नाचते गाते हुए उस सभी सामान को वहां पर रख देते थे। जब उस समय वहां का एक क्या थे, तथ्य विभाग के जो कर्मचारी थे वो उत्सव में शामिल हुए, उस त्योहार में शामिल हुए, तो उन्होंने ये सब देखा। क्या देखा? उन्हें बड़ा ये अजीब लगा कि ये सब इतनी सारी खाने की चीजें ऐसे ही वहां पर रखकर क्यों आ गए हैं। तब उनके मन में उन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पर रखने की बजाय अगर वो खुद नहीं खाना चाहते तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको खाने के लिए क्यों नहीं दे देते। तब ये बात वहां के एक आदिवासी लड़के ने सुनी, तब उसको बहुत अजीब लगा। उसने चिढ़ते हुए इस बात का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उस लड़के ने? छी छी। छी छी कब करते हैं हम? जब हमें कोई बात या कोई चीज हमें गलत लगती है, गंदी लगती है, तब हम क्या करते हैं? छी छी। वो कहता है कि यह बात तो सोचना भी पाप है। क्या सोचना पाप है? कि ये सब चीजें या तो हम खुद खाएं या फिर बाहर से आने वाले लोगों को खिलाएं। वो उसने कहा, ये सब खाने की जो चीजें हैं ये तो हाथियों के लिए हैं। तब उस विभाग कर्मचारी ने क्या कहा,
तो हाथियों को कैसे पता चलेगा कि ये सब उनके लिए रखा गया है? तब लड़के ने क्या उत्तर दिया? कैसे पता चलेगा? उसने कहा घंटे की आवाज से। जब घंटे की आवाज होती है तो वो पहाड़ की तलहटियों में से इधर उधर से निकलकर हाथी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उनको सब पता होता है कि ये घंटे की आवाज हो रही है और उनके लिए सामान रखा हुआ है। तब उस तथ्य विभाग कर्मचारी ने कहा, इतने सारे जानवर हैं, सिर्फ हाथी ही क्यों? तब इस बात पर वहां के एक गांव के बड़े बूढ़े ने एक किस्सा सुनाया। क्या किस्सा सुनाया? उन्होंने कहा कि जब हाथियों का यहाँ पर ठिकाना था, मनुष्य और हाथी दोनों एक साथ साथ रहते थे, तब क्या हुआ, कुछ विदेशी वहां सौदागर आए। सौदागर मतलब कोई सौदा करने के लिए आए। उन्होंने क्या सौदा किया कि वो हाथी यहाँ से गांव से ले जाएंगे और गांव वालों को इसके बदले में मोहरे दे जाएंगे। मोहरे मतलब सोने का सिक्का दे जाएंगे। जब वो मोहरे दे जाते थे तो उन मोहरों को गांव की औरतें अपने गले में पहनती थी सजावट के लिए। हाथियों को पकड़ा कैसे जाता था, कैसे वो विदेशी उस हाथियों को जाल में फंसाते थे, क्या होता था, गांव के लोग मिट्टी, जमीन में मिट्टी की खुदाई करके गड्ढा सा बना देते थे और उस गड्ढे को घास पत्तों से ढक देते थे। जब हाथी वहां चलते हुए आते तो वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाते थे। उस गड्ढे में से विदेशी क्या करते थे, हाथियों को बाहर निकालते थे और उन हाथियों को अपने साथ ले जाते और गांव के मुखिया को उसके बदले में क्या करते थे, मोहरे दे देते थे। आगे देखिए, तब वहां जब हाथियों के जो झुंड था, जो हाथियों के झुंड के सदस्यों को ने क्या किया, वहां गांव में आना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अब गांव के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था। अब गांव के लोगों के का एकमात्र शत्रु था, दुश्मन था, कौन था वो, बाघ। अब दो दुश्मन हो गए, पहला बाघ और दूसरा जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए क्या करते थे गांव के लोग, खेत के पास पहरा देते थे ताकि उनकी जो फसल है वो हाथियों के झुंड के द्वारा खराब ना की जाए, नष्ट ना की जाए। जब वो कोई व्यक्ति वहां पर जब पहरा दे रहा होता था तो वो गांव के व्यक्तियों को कैसे सूचना देता था कि हाथियों का झुंड आ रहा है, वो एक कनस्तर बजाता था, एक डिब्बा, कनस्तर मतलब होता है एक डिब्बा सा बजाता था। डिब्बे की आवाज से क्या होता था, गांव के लोग समझ जाते थे कि हाथियों का झुंड आ रहा है, तो वो लोग क्या करते थे, उनका मुकाबला करने के लिए उस तरफ दौड़ पड़ते थे। इसी दौरान क्या हुआ, बाघ बिना किसी तैयारी के गांव में घुस जाता था। कैसे, अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छुप कर क्या होता था, गांव के बीच में वो घुस जाता था। जब वो घुसा तो उन दिनों कैसे घुसा, वो अंदर जाड़े के जब अंतिम दिन थे, सर्दियों का जब अंतिम दिन चल रहा था, तो गांव के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखा, किसके लिए, वसंत के आगमन के लिए, उसके स्वागत के लिए। उन्होंने क्या किया, वहां अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को खुला रख दिया। तब क्या हुआ, तब जब हाथियों का झुंड आ रहा था तो गांव के लोग तो उसकी तरफ दौड़ पड़े, मगर बाघ का बाघ है वो गांव के अंदर घुसा और मुखिया का जो 5 महीने का जो बच्चा था, जिसे उसकी माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ था, उसे उठाकर ले गया। जैसे ही उसने उठाया तो माँ की आंख एकदम से खुल गई, तो उसने क्या किया, मशाल उठाई और उस बाघ के पीछे पीछे भागी। गांव की औरतें भी ये सब देख रही थी, मगर डर के कारण कोई भी आगे नहीं आई। बाघ कहाँ गया बच्चे को लेकर, जंगल की तरफ भागा। जंगल में किस तरफ भागा, जहां से हाथियों के आने का रास्ता था, वहां पर क्या थे, गड्ढे बने हुए थे। जब बाघ बच्चे को लेकर जा रहा था तो उसने देखा कि गड्ढे में एक हाथी का बच्चा गिरा हुआ है। बाघ जैसे ही उसकी तरफ भागा, उस तरफ से भागा तो उसने क्या किया, हथिनी ने बाघ के पंजे से उस बच्चे को अपनी सूंड में लपेटकर मुखिया की पत्नी को उस बच्चे को दे दिया। तब क्या हुआ, वहां चुपचाप जो थी मुखिया की पत्नी, चुपचाप वहां पर खड़ी रही।
बच्चे के शरीर पर जब मोटा कंबल लपेटा गया था, जिसके कारण से उसको किसी तरह की कोई भी खरोच नहीं आई। जब मुखिया की पत्नी ने यह देखा कि इस हथिनी ने मेरे बच्चे की रक्षा की है, तो उसके मन में भी क्या हुआ कि मुझे भी अब किसी भी तरह इस हथिनी के बच्चे की रक्षा करनी है। तो उसने रक्षा करने के लिए क्या किया, वह अपने बच्चे को वहीं रोता हुआ वहीं छोड़ के चली गई और हथिनी के बच्चे की रक्षा करने के लिए वो इस गड्ढे के अंदर धीरे धीरे से अपने पाँव को जमाते हुए उसके अंदर गई। तो उसने वहाँ देखा कि अंदर तो चली गई, मगर अब इस हथिनी के बच्चे को मैं बाहर कैसे निकालूं? उसका उसने एक उपाय सोचा। उसने क्या किया, पेड़ की डाल के दो मोटे टुकड़े जो पेड़ की डाल है उसके मोटे मोटे टुकड़े लिए, जो कैसे थे, आड़े तिरछे थे, उनको क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। वो डालने से क्या हुआ, वो सीढ़ी की तरह बिल्कुल स्थिर खड़े हो गए। अब वो मुखिया की पत्नी उस गड्ढे के अंदर गई, उसने धीरे धीरे हथिनी के बच्चे को उसके सहारे से गड्ढे के ऊपर धकेला। जैसे जैसे वो ऊपर आता गया तो हथिनी ने अपनी सूंड से क्या किया, अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। इस प्रकार बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी, भोर का मतलब सुबह हो चुकी थी। गांव का मुखिया अन्य आदमियों के साथ हाथियों को के झुंड को भगाकर जब वापस गांव में आया तो उसने क्या देखा, उसने गांव में बाघ के पैरों के निशान देखे, तो वह एकदम से सब समझ गया और हथियार लेकर वो क्या किया, वह जंगल की ओर भागा। जब वह जंगल की ओर गए तो उन्होंने क्या देखा, क्या दृश्य देखा कि हथिनी का बच्चा माँ के साथ खड़ा है, अपनी माँ को लिपटा हुआ है और उसकी पत्नी, मुखिया की पत्नी की गोद में उसका बच्चा है। यह सब देखकर वो समझ गया तो उसने क्या किया, सब हथियार डाल दिए और झुक कर जंगल के देवता को उन्होंने प्रणाम किया। जंगल का देवता कौन, हाथी। उसको हथिनी को, हाथी हथिनी को उसने क्या किया, प्रणाम किया। इस प्रकार से अब जब उन्होंने ये देखा कि इस हथिनी ने हमारे मेरे बच्चे की जान बचाई है, तो उन्होंने क्या किया, गांव के मुखिया ने सभी गड्ढों को भरने का आदेश दे दिया। तब जब शरद ऋतु का अंत होता है, उनकी फसल पकती है, तो वो क्या करते हैं गांव के लोग, उस फसल का कुछ अंश, कुछ हिस्सा हाथियों के लिए प्रसाद के रूप में उनके लिए बाहर निकालते हैं। यह क्या था, हाथियों का प्रसाद को, हाथियों को प्रसाद देने का मतलब क्या था कि धन्यवाद करने का गांव का वालों का एक तरीका था कि वो किस तरह से गांव के वाले हथिनी का, हाथी का धन्यवाद करते हैं, अपनी फसल का कुछ अंश देकर उनका धन्यवाद करते हैं। तो आपको कहानी के आरंभ में मैंने ये बताया था कि उस मंदिर के अंदर दो छोटी छोटी मूर्तियां थी। वो मूर्तियां अब आपको समझ आती होंगी कि किसकी थी, हथिनी के साथ उसके बच्चे और मुखिया की पत्नी की गोद में उसके बच्चे की, उन दोनों के ममत्व को इसमें दर्शाया गया है। आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जल्द ही हम अपने अगले अध्याय के साथ आपके पास सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।